Hello student, today I am going to teach you civics chapter 2. Our topic is parliament. What is parliament? Parliament is the president, Raj Sabha and Lok Sabha is called parliament. And Sansad, parliament or Sansad, both are equal. हम लोग पार्लियामेंट भी करते हैं, संसद भी करते हैं. प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा को संसद कहा जाता है. द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसमें से फर्स्ट है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना. तो टुडे आई विल टीच ओनली प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 आर्टिकल्स टू 62 आर्टिकल्स, 52 टू 62 यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 52 आर्टिकल्स से 62 आर्टिकल्स के बीच द इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एक्सिक्यूटिव. इंडिया में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड व संविधान का प्रधान होते हैं. फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो इंडियन होना चाहिए, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सेकंड, मस्ट बी इंस्टेटेड इन द वोटर लिस्ट, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए. थर्ड, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, उन्हें कम से कम 35 ईयर एज कंप्लीट करना है. एंड नेक्स्ट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर. हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. तो जस्ट लाइक ए क्वालिफिकेशन होता है. एंड सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड. हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. देन राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा. विधानसभा यूपी इंडियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट नॉमिनेट मेंबर्स. मे बी रिजाइन एनी टाइम. हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट कभी भी रिजाइन कर सकते हैं. टेनर्स विद इन 6 मंथ. सपोज किसी भी प्रेसिडेंट का सर्टेन अधिक कार्यकाल के दौरान उनका डेथ हो जाता है या हट जाते हैं, तो विद इन 6 मंथ में इलेक्शन होना कंपल्सरी है. एंड थर्ड, इंपीचमेंट. इंपीचमेंट मीन्स होता है महाभियोग. पार्लियामेंट 1/3 मेजोरिटी से सिंपल जिसको बोलते हैं बिल पास करके पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति को हटना पड़ता है. तो एक सर्व ने कम से कम 14 डेज बिफोर उन्हें इंडिकेट करना है, सूचना देना पड़ता है. जाकिर हुसैन एंड फारूक अहमद 69 एंड 77 में ड्यूरिंग द टेनर्स यानी कार्यकाल के दौरान उनकी यहाँ हुई थी. अनकंटेस्टेड मीन्स होता है निर्विरोध. अब तक के ओनली वन प्रेसिडेंट इंडिया के नीलम संजीव रेड्डी है जो 1977 में इलेक्टेड हुए थे. इनके अगेंस्ट में कोई भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. हमारे कंट्री में, हमारे देश में राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार क्या है. फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको बोलते हैं प्रशासनिक अधिकार. हमारे कंट्री में पीएम एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं. काय अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, या जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं. गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राजपाल को भी अपॉइंटमेंट करते हैं. एंड सेकेंड पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव मीन्स होता है विधायिका जो पार्लियामेंट में. फर्स्ट ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में जब सेशन चलती है तभी हम लोग का बिल पास किया जाता है. अब जब सेशन नहीं है तो वैसे कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं अध्यादेश 1-3 आर्टिकल्स के एक्ट के तहत वो बिल को पेश कर सकते हैं. मनी बिल के बारे में भी 1-3 आर्टिकल्स में हमारे प्रेसिडेंट का ही है. नेक्स्ट, वीटो पावर. जेबी वीटो पावर एक राइट्स है हमारे प्रेसिडेंट में. अब तक के कहा जाता है कि ज्ञानी जय सिंह जेबी वीटो पावर का यूज किए थे.
नेक्स्ट ज्वाइंट सेशन, सपोज कोई बिल लोकसभा राज्यसभा में लॉन्ग टाइम से उस पर डिस्कस नहीं हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन 108 आर्टिकल्स के तहत लाते हैं। और अभी तक हमारे कंट्री में 3 times ज्वाइंट सेशन को पास किया गया था। इंडिपेंडेंस हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं है डिसीजन मानने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 143 आर्टिकल्स में इसका वर्णन है। नेक्स्ट इमरजेंसी, इमरजेंसी मीन्स होता आपात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी के बारे में वर्णन है, 352, 356 एंड 360 आर्टिकल्स। 352 इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंसी रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी रूल। 352 आर्टिकल इसमें कहा जाता है इमरजेंसी आपातकाल। अब हमारे कंट्री में 3 times लाए गए थे, फर्स्ट 1962 चाइना वार एंड सेकेंड 1965 में पाकिस्तान एंड थर्ड 1975 में इंटरनल इमरजेंसी मीन्स होता है आंतरिक, है ना। इस तरह से कहा जाता है कि अब तक 3 times 352 का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट 356 आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंटी रूल, राष्ट्रपति शासन, ये स्टेट में लाया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ है। एंड थर्ड 360 आर्टिकल जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, अभी तक हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू नहीं किया गया है। एंड नेक्स्ट 4 टॉपिक मार्स पावर में सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश में तीनों सेना का हेड होते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पावर एंड फंक्शन में। नेक्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड प्रेजेंट टाइम 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2017 में इलेक्टेड हुए थे एंड फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में इलेक्टेड हुई थी। एंड 72 आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, 72 आर्टिकल्स में क्या है कि किसी को भी अपोलोजाइज जिसको क्षमा याचना बोलते हैं वो राष्ट्रपति के पास में मृत्युदंड को माफ कर देंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक एक्टिंग प्रेसिडेंट मीन्स होता है कार्यवाहक प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री में अब तक 3 times एक्टिंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट किए गए हैं, फर्स्ट बीबी ग्रीन 1969 में, नेक्स्ट एमडी हयातुल्लाह खान 1969 में एंड थर्ड बीबी जती 1977 में एक्टिंग प्रेसिडेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।